खड़े थे। आपकी भी जिम्मेदारी है वहां से लेकर के वहां तक जो हमें दिखाई दे रहे हैं और पीछे तक लोग, हमारी जिम्मेदारी तो है ही मंच के लोगों की, लेकिन आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरह का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में और बंगाल में लड़ा है उससे ज्यादा खतरनाक चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा। जब आप खड़े हो जाओगे तो कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा समाजवादियों का। और हम लोगों को तो सोते हुए मुख्यमंत्री को हटाना है। जो मुख्यमंत्री विधानसभा में सो जाएं उनका उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए इस सोते हुए लोगों को भगाना है और पुनः दोबारा हमें उसी विकास के रास्ते पर रहना है। क्योंकि जब हम लोग दुनिया को देखते हैं, जब दुनिया को आकलन करते हैं हमारा देश कहां खड़ा हो गया जाके, दुनिया के नौजवान, दुनिया के किसान कहां खड़े हैं। इसलिए अगर कोई भारत को और किसानों को, नौजवानों को और अपनी माताओं बहनों को सम्मान दिला सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं। इसलिए समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है। जहां बाबू भगवती सिंह जी ने लगातार समाजवादी सिद्धांत को नहीं छोड़ा, इसलिए आज हम लोग संकल्प लें कि अगर हम लोगों ने लाल टोपी पहन ली, साइकिल का साथ दिया है, तो आने वाले समय में कुछ भी रुकावट होगी लेकिन समाजवादी सिद्धांत को हटने नहीं देंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में एक बार समाजवादी सरकार को बनाने का काम करेंगे। क्योंकि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का भला होगा, हमारी माताओं बहनों की मदद होगी, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। और ये जो बिजली महंगी कर दी है, ये जो बिजली का मीटर चल रहा है बहुत तेज, जाने क्यों मीटर तेज चल रहा है, आमदनी हुई नहीं, आय बढ़ी नहीं, पैसा मिल नहीं रहा, रोजगार है नहीं, नौकरी नहीं, लेकिन मीटर से बताओ आपको कितना बिल देना पड़ रहा है। सोचो, बिल बढ़ा दिया इन्होंने, बिजली का उत्पादन नहीं किया इन्होंने उत्तर प्रदेश में कहीं भी, उत्पादन तो छोड़िए, मुख्यमंत्री जी के नाम मुंह से कभी आपने नहीं सुना होगा कि बिजली का प्लांट क्या होता है। अगर उनसे कभी सुना हो तो बता दो, उनके मुंह से कभी प्लांट के बारे में नहीं निकला। हमने तो कई मौकों पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े बिजली के कारखाने लग रहे हैं उनका नाम बता दो या उनका बता दो क्या है वो कारखाने, अभी तक नहीं कहा उन्होंने। हमने तो प्रेस में कहा कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट एक बार कह दो, आप बिजली मत बनाओ लेकिन कह तो दो कि हाँ प्लांट लग रहे उत्तर प्रदेश में, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादियों ने लगाए हैं, लगवाए हैं, और वो लग गए होते तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली होती, महंगी बिजली नहीं होती। और बताओ, जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस उत्तर प्रदेश में दो बार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनाई हो, उस उत्तर प्रदेश को कोटा का, बिजली का कोटा नहीं बढ़ाया इन्होंने, बिजली का कोटा नहीं बढ़ा आपका, प्रधानमंत्री बनाए दो बार यहां से, इतने एमपी जिताए, इतने विधायक जीत गए, लेकिन बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। अगर कोई चीज बढ़कर के मिली तो आपको बिजली के बिल मिले हैं, जिनको कम करने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। और अगर सुविधा चाहते हैं किसान, गरीब, बिजली की कोई सुविधा देगा तो समाजवादी लोग देंगे। ये डर रहे हैं हमारे घोषणा पत्र से भी, ये सोचते हैं कि अगर हमने बिजली को लेकर के कोई बात कह दी तो कहां बचेगी बीजेपी। बिजली की सुविधा देंगे, और बिजली की सुविधा इसलिए देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को करंट लगना चाहिए। करंट तभी लगेगा जब बिजली की सुविधा समाजवादी लोग देंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज भगवती सिंह जी को याद करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, और जो उनका सपना था कि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बने, तो मैं उनके परिवार, उनके सहयोगी और संस्था के लोगों से भी कहूंगा कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बने तो जो सहयोग हो सकेगा सरकार के माध्यम से हम लोग मिलकर के करेंगे, जिससे एक ये यूनिवर्सिटी का रूप ले सके। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।